कोरोना वायरस के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन से रोजगार की समस्या बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है और इसकी वजह से आप आसानी से बैंक में जाकर लोन ले सकते हैं और सरकार की इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले से लेकर छोटे कारोबार को बिना किसी गारंटी यानी जमानत के लोन मुहैया कराना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन ले सकता है और इस वीडियो में हम आपको इसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इतने अच्छे वीडियो को जो कि कई लोगों के काम आ सकता है उसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, सरकार जो सबको लोन दे रही है उस लोन का नाम है मुद्रा लोन, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शिशु लोन, जिसमें आप मैक्सिमम 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। किशोर लोन, जिसमें आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और तीसरा है तरुण लोन, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपको बता दें कि लोन लेने वाले को मुद्रा कार्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग कारोबारी जरूरत पर आने वाले खर्च के लिए कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता है वो इस योजना के तहत लोन ले सकता है। इसके साथ ही अगर कोई अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है तो भी उसे इस योजना के माध्यम से लोन मिल सकता है। इस लोन की खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग अलग बैंक लोन पर अलग अलग दर से ब्याज वसूल सकते हैं। दर का निर्धारण कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय होता है। वैसे आमतौर पर 10-12% सालाना ब्याज दर रहती है। इसके लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं चुकानी पड़ती। अब हम आपको बताते हैं कि आप मुद्रा लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी बैंक या फिर वित्तीय संस्थान जहां से आप लोन लेना चाहते हैं वो आपको डिसाइड करना है। आप एक से अधिक बैंक भी डिसाइड कर सकते हैं। बैंक के डॉक्यूमेंट्स के साथ लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर आपको जमा करना होगा। मुद्रा लोन के लिए आपको आवेदन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। लोन की राशि, व्यापार की प्रकृति, बैंक नियमों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। मुद्रा लोन आवेदन, बिजनेस प्लान या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, एक से ज्यादा आवेदकों की स्थिति में पार्टनरशिप संबंधी दस्तावेज यानी कि डीड, टैक्स रजिस्ट्रेशन और बिजनेस लाइसेंस आदि, निवास के प्रमाण संबंधी डॉक्यूमेंट्स जैसे टेलीफोन, बिजली बिल या फिर आवेदक की 6 महीने से कम पुरानी तस्वीरें, मशीन, अन्य सामग्री का कोटेशन जिसे आप खरीदना चाहते हैं, साथ ही जहां से खरीदेंगे उस सप्लायर दुकानदार के बारे में जानकारी। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक में आते हैं तो उसकी जानकारी, पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो कि 2 लाख के लोन के ऊपर लगती है। मुद्रा लोन के लिए उस सरकारी या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में आपको आवेदन देना होगा जो मुद्रा लोन देता हो। आवेदन के लिए आपके कारोबार की पूरी जानकारी, प्लान सहित अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे और अगर आपका आवेदन सही पाया जाएगा तो बैंक आपका मुद्रा लोन पास करेगा और आपको मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा जिससे आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम का है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि लॉकडाउन के इस खराब समय में हर व्यक्ति को मदद मिल सके। धन्यवाद।